चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। फाइनल में जिससे भिड़ने वाली थी विनेश फोगाट, उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय रेसलर पर दिया बड़ा बयान। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना, 3 सितंबर को मतदान। सांसद कंगना रनौत के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने उठाए सवाल। दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाबियों को मिलेगी ये खास सुविधा, सीएम ने किया बड़ा ऐलान। भारत में भी हो सकते हैं बांग्लादेश जैसे हिंसक प्रदर्शन, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। चीन की तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सर्जिकल स्ट्राइक, मानवाधिकार की उड़ी धज्जियां। सरकार को वायनाड आपदा को राष्ट्रीय त्रासदी घोषित करना चाहिए, लोकसभा में बोले राहुल गांधी। ईरान की धमकी के बाद यूएस का बड़ा कदम, इजराइल की सुरक्षा के लिए पश्चिम एशिया में भेजे लड़ाकू विमान। बेहिसाब संपत्ति मामले में तमिलनाडु के 2 मंत्रियों के खिलाफ होगी सुनवाई, कोर्ट ने पेश होने का दिया निर्देश। यूपी को 4 राज्यों में विभाजित करें, संसद में चंद्रशेखर की मांग, डॉक्टर आम्बेडकर के कथन का भी किया जिक्र। विनेश फोगाट के चलते नीता अंबानी हो रही है ट्रोल, लोग बोले कुछ करो नहीं तो इस्तीफा दो। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। फाइनल में जिससे भिड़ने वाली थी विनेश फोगाट, उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर भारतीय रेसलर पर दिया बड़ा बयान। जी हां, बता दें विनेश फोगाट को अधिक वजन के कारण 50 किलोग्राम में अयोग्य ठहराए जाने के बाद उस भार वर्ग का स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिकी महिला पहलवान सारा एन हिल्टेब्रांट ने कहा कि वह खिताबी मुकाबले के दिन सुबह अफरा तफरी के लिए तैयार थी, लेकिन उन्होंने भारतीय खिलाड़ी के इर्द गिर्द हुई घटना की उम्मीद नहीं की। बता दें कि विनेश को अयोग्य ठहराया गया और ओलंपिक फाइनल में क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन लोपेज ने उनकी जगह ली। 29 वर्षीय विनेश ने सेमीफाइनल में लोपेज को हराया था और स्वर्ण पदक के लिए उन्हें हिल्टेब्रांट का सामना करना था, लेकिन बुधवार की सुबह वजन करने की प्रक्रिया के दौरान उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना, 3 सितंबर को मतदान। बता दें भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव 3 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हो जाएगी और 21 अगस्त तक जारी रहेगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26 और 27 अगस्त है। इसके बाद 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सांसद कंगना रनौत के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने उठाए सवाल। जी हां, बता दें प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते कई क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित हुए, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का दायित्व तो बनता है कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत दौरा करें, ताकि राहत कार्य शुरू कर लोगों में आत्मविश्वास बनाया जा सके। मगर सांसद कंगना रनौत का उनके कुछ विधायक एवं अधिकारियों की ओर से दौरा करने के लिए मना किया जाने वाला बयान निराशाजनक है। यह बात प्रदेश के राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने रिकांगपियो में कही। मंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो जनप्रतिनिधि मौसम देखकर लोगों को राहत देने की बात कर रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। केंद्र में भाजपा की सरकार है और सांसद कंगना को चाहिए था कि वह तुरंत प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर केंद्र से राहत प्रदान करने का कार्य करती। उन्होंने कहा, सांसद का इतने दिन बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र समेज पहुँचना मात्र एक औपचारिकता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाबियों को मिलेगी ये खास सुविधा, सीएम ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाबियों के लिए स्पेशल काउंटर खोला जाएगा। यह सुविधा केंद्र IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3 नई दिल्ली में स्थापित होगा, जो पंजाबियों के लिए यात्रा को और भी सुगम बना देगा। इस सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजाबियों को विशेष सेवाएं और सहायता प्रदान की जाएगी, जैसे कि स्थानीय भाषाओं में मार्गदर्शन, पंजाब से संबंधित जानकारी और समस्या निवारण में सहायता। इस एयरपोर्ट पर पंजाबियों के अनुभव को और भी बेहतर बनाया जा सकेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। भारत में भी हो सकते हैं बांग्लादेश जैसे हिंसक प्रदर्शन, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने उग्र रूप धारण कर लिया और स्थिति यह हो गई कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा तो देना ही पड़ा, साथ ही साथ उनको अपना देश तक छोड़ना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश में हालात बेहद बिगड़ गए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश में चल रहे हंगामे पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वही भारत में भी हो सकता है। उनके अनुसार भले ही
सतह पर हालात सामान्य लग रहे हों, लेकिन भारत में भी बांग्लादेश की तरह हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शन संभव है। वहीं एक किताब के विमोचन के अवसर पर सलमान खुर्शीद ने कश्मीर और भारत के मौजूदा हालात पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा, कश्मीर में सब कुछ सामान्य नजर आ सकता है और यहाँ भी हालात सामान्य दिख सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सतह के नीचे बहुत कुछ हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। चीन की तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता पर सर्जिकल स्ट्राइक, मानवाधिकार की उड़ी धज्जियां। बता दें कि चीन की तिब्बत में धार्मिक दमन की नीति न केवल तिब्बती पहचान और संस्कृति के लिए खतरा है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। इस दमन को रोकने और तिब्बती लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जागरूक और सक्रिय रहना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की 2023 की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, जो 26 जून 2024 को जारी की गई, चीन के तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता पर लगातार दमन की कड़ी आलोचना करती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बती बौद्ध धर्म के हर पहलू को नियंत्रित और परिवर्तित करने की कोशिश कर रही है, जिससे तिब्बती लोगों की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जिंदगी पर असर पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। सरकार को वायनाड आपदा को राष्ट्रीय त्रासदी घोषित करना चाहिए, लोकसभा में बोले राहुल गांधी। जी हां, बता दें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार से केरल के वायनाड में हुई हालिया आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आह्वान किया। शून्यकाल के दौरान बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रभावित लोगों के लिए अधिक मुआवजे की मांग भी की। वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मैंने कई अलग अलग जगहों का दौरा किया जहां आपदा हुई थी। कुछ मामलों में एक पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन केवल एक व्यक्ति बचा, कभी कभी कोई वयस्क या बच्चा। उन्होंने आपदा के दौरान मदद करने वालों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। गांधी ने कहा, 200 से अधिक लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने के कारण अंततः हताहतों की संख्या 400 से अधिक हो सकती है। ईरान की धमकी के बाद यूएस का बड़ा कदम, इसराइल की सुरक्षा के लिए पश्चिम एशिया में भेजे लड़ाकू विमान। बता दें अमेरिका के यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट विमान वाहक पोस्ट से करीब 18 लड़ाकू विमान पश्चिम एशिया के एक सैन्य अड्डे पर भेजे गए हैं। यह कदम ईरान और उसके सहयोगियों के संभावित हमलों से इसराइल तथा अमेरिकी सैनिकों की रक्षा करने के पेंटागन के प्रयासों का हिस्सा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का आदेश दिया है, क्योंकि अधिकारी लेबनान में हिजबुल्ला के एक वरिष्ठ कमांडर और ईरान में हमास के शीर्ष राजनीतिक नेता की पिछले सप्ताह हुई हत्याओं के मद्देनजर पश्चिम एशिया में हिंसा बढ़ने की आशंका को लेकर चिंतित हैं। इन हत्याओं का शक इसराइल पर है। हिजबुल्ला और हमास को ईरान से समर्थन हासिल है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये लड़ाकू विमान सैन्य अड्डे पर कब तक रहे। इन विमानों की तैनाती ऐसे वक्त में की गई जब अमेरिकी अधिकारियों ने मंगलवार को इराक में एक सैन्य अड्डे पर हुए रॉकेट हमले के बारे में और जानकारियां जारी की। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। बेहिसाब संपत्ति मामले में तमिलनाडु के दो मंत्रियों के खिलाफ होगी सुनवाई, कोर्ट ने पेश होने का दिया निर्देश। बता दें मद्रास हाई कोर्ट ने बेहिसाब संपत्ति के मामले में सुनवाई अदालत के आरोप मुक्त करने के फैसले को दरकिनार करते हुए तमिलनाडु के राजस्व मंत्री KKSSR रामचंद्रन और वित्त मंत्री तंगम तेनारासु के खिलाफ बुधवार को आरोप तय करने का निर्देश दिया। बता दें कि दोनों मंत्री और द्रमुक नेता को उनके खिलाफ सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के जरिए दर्ज केसों में सुनवाई का सामना करना होगा। जज ने रामचंद्रन को विशेष अदालत के समक्ष 9 सितंबर को पेश होने को कहा है, साथ ही तेनारासु को 11 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया। जज ने कहा कि दोनों मामले क्रमशः 2011 और 2012 के हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यूपी को 4 राज्यों में करे विभाजित, संसद में चंद्रशेखर की मांग, डॉक्टर अंबेडकर के कथन का भी किया जिक्र। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख और नगीना से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर ने लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान बजट में यूपी की उपेक्षा की बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उसे बजट में कुछ भी नहीं मिला है। चंद्रशेखर ने कहा कि हम 80 सदस्य यूपी से जीत कर आए हैं। यूपी की आबादी लगभग 25 करोड़ है, लेकिन बजट में ना के बराबर मिला है। सरकार 5 किलो राशन दे रही है, लेकिन वह जीवन जीने के लिए काफी नहीं है। और भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए। उन्होंने कहा, हमें सरकार की चिंता नहीं है, हमें यूपी की जनता की चिंता है। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि यूपी को 4 राज्यों में विभाजित किया जाए। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को कोट करते हुए कहा कि राज्य जितना छोटा होगा, राज्य की प्रगति उतनी ही होगी, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता का जीवन संपन्न होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विनेश फोगाट के चलते नीता अंबानी हो रही ट्रोल, लोग बोले कुछ करो नहीं तो इस्तीफा दो। बता दें इस समय लोगों की जुबा पर भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट का ही नाम है। शानदार प्रदर्शन के बाद वह फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गई, क्योंकि उनका वजन खेल के तय वेट से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसी बीच देश की पावर
पावरफुल लेडी नीता अंबानी को भी जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य हैं। 100 ग्राम वजन ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं, इसे मैनेज किया जा सकता है। विनेश को सपोर्ट करने के लिए उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की गई, या फिर ये सारा खेल नीता अंबानी के जरिए हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।